In this video, we will learn about the rules to obtain images from convex lens. Before knowing the rule, let us know few things about convex lens. तो हमने convex lens लिया, उसको center से हमने divide कर दिया two equal parts में by help of a line. इस line के एक perpendicular line draw की, ये perpendicular line जो हमने draw की, इसे हम क्या बोलते हैं? Principal axis, जो इसके center से pass हो रही है. अब ये principal axis और जो पहले हमने line बनाई थी, ये जिस point पर cut कर रहे हैं, उस point को हम क्या बोलते हैं? Optical center, जिसे हम O से represent करते हैं. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं. जो पहला स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर होगा वो आपको कहाँ मिलेगा? राइट की तरफ. ऐसी जो दूसरा स्फेरिकल सरफेस है उसका भी सेंटर मिलेगा, वो आपको मिलेगा इस लेंस के लेफ्ट की तरफ. क्योंकि इसके दो सरफेसेस हैं, उसकी वजह से हमें इस लेंस के दो फोकस मिलेंगे. एक लेफ्ट की तरफ, इसको नाम दे देते हैं F1. दूसरा मिलेगा राइट की तरफ, इसको हम नाम दे देते हैं F2. ऐसे ही इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, उनको भी हम नाम देते हैं. एक को 2F1 नाम दे दिया हमने, दूसरे को 2F2. Let us now know the first rule. The incident ray, which is incident on the convex lens parallel to the principal axis, after refraction goes through focus on the other side of the lens. मतलब जो भी incident ray कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसके फोकस से पास होगी दूसरी साइड से. इसको डायग्राम से समझते हैं. हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, उसमें F1, F2, 2F1 और 2F2 मेंशन करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस में. अब देखिए एक रे जो है वो पैरेलल इंसिडेंट कर रही है किस पर? कॉन्वेक्स लेंस पर. तो क्या होगा, ये फोकस से पास होती हुई रिफ्रैक्ट कर जाएगी. मींस अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास हो जाएगी. ऐसी देखिए रूल नंबर 2. रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल फोकस से टुवर्ड द कॉन्वेक्स लेंस, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्ज करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. डायग्राम से समझते हैं इसको. कॉन्वेक्स लेंस बना लिया. अब देखिए जो रे फोकस से कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ रही है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन. यानी कि इंसिडेंट रे अगर फोकस से होती हुई गुजरती है तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. चलिए समझते हैं अब रूल नंबर 3, जो कि हमारा लास्ट रूल. अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन. मतलब कोई रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन बाहर निकल आएगी. डायग्राम से समझते हैं. ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया. देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जा रही है वो विदाउट एनी डेविएशन मूव करती जा रही है. मतलब अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ती है तो वो डेविएट नहीं होगी, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे भी उसी पाथ पर चलती जाएगी. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स. क्यों? क्योंकि ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस. थैंक यू.